हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक फिर से नए ब्लॉग में। हाँ जी, तो आप लोग ने वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख के समझ गया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह हम लोग सारे बना रहे हैं। जस्ट हम लोग आए, ये साहिल है, ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है, हम लोग का चैलेंजर पीयूष, और वो देखिए वो दोनों जा रहा है। एक पीयूष है, पीयूष है और वो नीलेश है, वो सारे लोग जा रहे हैं और ये शुभम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे सारा अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। ये और मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, ये हम लोग का दामोदर नदी है, ये देखिए हम लोग उसी रास्ते से आए हैं। बहुत ही पिकनिक स्पॉट, सबसे अच्छी जगह माना जाता है उधर भी जाने के लिए है। तो चूंकि अभी पानी कुछ है, इस वजह से हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग इधर ही रह जाएंगे। अब सारा क्लीन देखिए, मुझे एक सबसे बुरी लगती है ये बात ना, देखिए ये जितने भी लोग यहाँ पिकनिक मनाते हैं ना, जो भी आकर अपना इन्जॉय करते हैं, सारा कचड़ा करके चला रहती है। ये नहीं करना चाहिए किसी को, चूँकि हम लोग को रास्ता में भी मिला है ये चीज़, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। तो हम लोग मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। तो एक बार कोई भी अगर कहीं भी जाते तो इस टाइप का गंदगी ना फैलाएं, अपना इकट्ठा करके या तो उसे जला के ख़त्म कर दें या उसे साइड में एकदम अच्छी जगह रख दें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए सीन, हाँ जी, तो ये रही हम लोगों का चिकन जो हम लोगों ने लिया था, हम लोग जो बनाएंगे अभी, तो उसके लिए चिकन है और सारा आइटम जो है ना उसको सारा को काट के इसी पे मिला के हम लोग मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ देर छोड़ देंगे इसको अच्छा से। तो चलिए आप पहले देखिए किस तरह का हम लोग बना रहे हैं, जो है ना सारा आइटम को डालते हैं। ये देखिए तेल है इधर, है इधर लहसुन है, इधर प्याज है और सारा मसाला है, मिर्च वगैरह है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। I'm not afraid to die.
हाँ जी, तो देखिए अब हम लोग जो है ना ये सारे पत्ते पे चिकन को जो हम लोग मैरिनेट होने के लिए दिए हैं, मैरिनेट होने के लिए जो दिए हैं उसको इस पे डाल के अच्छी तरह से इसको बंद करेंगे, उसके बाद सारे को पकाएंगे। जो है इसे ना जिसमें हम लोग सारा चिकन जो डाले हैं इस पत्ते पे, इसको अच्छी तरह से तार से इसे बांध लेंगे बिल्कुल पूरा टाइट से। और उसके बाद, और हाँ मैं बता दूँ, ये जो पत्ता है ये सखुआ का जो पेड़ होता है ना उसी का पत्ता है, हम लोगों ने इसी को लिया है। और उसके बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से लकड़ी पर ही हम लोग पका लेंगे इसको। देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से आग पे हम लोग डाल देंगे, तो इसी टाइप का हम लोग सारे बनाएंगे। ये जो दिख रहा है ना इसी टाइप से सारे को हम लोग बांध के बना के रख लेंगे और हम लोग इसी से बनाएंगे। एक तो बन के रेडी हो गया है और इधर भी बन रहा है। और इसे देखिए ये क्या कर रहा है ये लड़का, ये जो है ना पत्ता को, सारे पत्ता को निकाल निकाल के यहाँ रख रहा है और इधर यहाँ हम लोग बना रहे हैं। और ये देखिए इधर साहिल साहब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, साहिल इधर तार को सारे अलग कर रहा है और उधर हमारे जीजाजी जो है वो सारे पत्ता को अलग कर रहे हैं। इधर पीयूष और ये भी पीयूष और इधर ये कंदरू जो नीलेश है ये सारा इधर बना रहे हैं। और इधर ये बुमराह, देखिए हम लोगों का ना सारा ये जो है चिकन को जो हम लोग पोटली पे बांधे हैं सारा इधर बंद के तैयार हो गया है। टोटल 7 पीस हम लोगों ने बांधा है और उधर सारे लोग आग का जुगाड़ कर रहे हैं, तो उसी पे हम लोग ये सारे डालेंगे। अब देखिए सारे को ना इसके अंदर डालेंगे। इसे पाथपुर या पोटली चिकन बोला जाता है इसे ही। वो मोटा लकड़ी काटा ना डालिए ना उसको सीधा करिए। अब पूरा अरे पातपुर गया आप
डालते जा साहिल। नीचे नीचे उधर खड़े को है निकालो जला हुआ पत्ता के साथ लहसुन हाँ जी। तो देखिए हम लोगों का ना ये बन के तैयार हो गया, सारे लोग निकालते हैं बाहर और उसके बाद टेस्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए एक उधर भी पक रहा है, देखिए हम लोगों का सारा चिकन जो है ना ये बन के तैयार हो गया है। अब देखिए इसका टेस्ट करके बताते हैं हम लोग कि कैसा बना है, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। ये जो लोग पहले भी खा चुके हैं वो लोग तो बोल रहे हैं कि बन चुका है अच्छी तरह से, जैसे कि ये नीलेश अपियूस भी बोल रहा है ना अपियूस। टेस्ट से पता चल रहा है कि और से बेहतर लग रहा है अपना दीदाजी। आपको मोटा मोटी हमको अच्छा है, मोटा मोटी ठीक है, दीदाजी का भी कहना है ठीक ही है। अब ये लोग से पूछ लेते हैं, चलो नीलेश सबसे बेस्ट हमारा ही है। ओ क्योंकि ये बनाया है ना इस वजह से इसका बेस्ट लग रहा है। चलो सपियूस ठीक ही लग रहा है। और तुम शुभम अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लहसुन नहीं पका है। ओ लहसुन लहसुन नहीं पका, अच्छा ठीक है, बात नहीं। देखता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। ठीक है, खाने लायक तो है, खा सकते हैं, अच्छी तो लग रही है। क्योंकि करी के हिसाब से ये तो सिंपल, जिस तरह आप लोगों ने देखा जिस टाइप का हम लोगों ने बनाया तो वो ठीक लग रहा है। चलिए अब इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग मिलते हैं। जी तो हम लोग का जितना भी अरेंजमेंट जो हम लोग किए थे ना, बस छोटा सा इंटरटेनमेंट पर्पस था हम लोग का इस वीडियो का, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग इतना सारा इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो चूंकि हम लोग का सारा खत्म हो गया, आप लोग ने देखा हम लोग जितना भी चिकन वगैरह जो भी हम लोग बनाए थे, जिसे पातपुर बोलते हैं या पोटली चिकन बोलते हैं, तो वो बना के वो काफ़ी ज़्यादा ही
मतलब अच्छा था हम लोगों का, सारा टेस्टी था, सारे लोग हम लोग ख़त्म कर दिए। तो उसके बाद जो है ना, हम लोग यहाँ बगल में ये जो देख रहे होंगे, यहाँ जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ नदी जो है, इसमें सारे लोग जाके हम लोग सारे जितने हैं ना, सारे लोग जाके पूरी अच्छा तरह से नहा के पूरा और इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा मस्ती किए हैं। उसके बाद मैं अभी कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, यहाँ सारे लोग जो है ना, मतलब नहाने के बाद सब इतना ज़्यादा ठंड लग गया सभी को, सब आ गया, मतलब ये ले रहे हैं गर्म के लिए। तो चलिए, यहाँ से जो वहाँ तक है ना, पूरा एरिया पिकनिक स्पॉट ही है, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो ये छोटा सा एक हम लोगों का था एक इंटरटेनमेंट पर्पज़, जो हम लोग सारे मस्ती किस तरह कर रहे थे सारे लोग, तो वो मैंने दिखाया। और मेरे और जितने भी लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक करके बैन आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास चला जाए। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ अभी सारे लोग, देखिए सारे लोग को मैं बुलाता हूँ, किस तरह लगा सारे लोग मैं पूछता हूँ। हाँ जी, तो देखिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, जितने हम लोग अभी बचे हुए हैं, बाकी लोग तो सारे लोग चले गए हैं, दो तीन लोग जो थे वो चल गए हैं। तो बाकी लोग हम लोग यहाँ पे सारा इंटरटेनमेंट हम लोग कर लिए, नाच भी लिए, वो देखे होंगे आप लोग, वो शुभम जो है बहुत ज़्यादा नाचा है अभी, और पीछे पीयूष, ये साहिल और ये नीले, जिसे कंद्रू हम लोग बोलते हैं, वो कंद्रू निक नेम इसका। तो पूछते हैं अभी लोग से, ये लोग से कि किस कैसा लगा, कितना मज़ा आया बताओ। बहुत मज़ा आया, बहुत दिन के बाद इंटरटेनमेंट हुआ ऐसा। हाँ ये तो बात, माइंड पूरा रिलैक्स हो गया आने के बाद यहाँ पे। हाँ ये तो बिल्कुल सही बोला साहिल ने, ये बहुत दिनों के बाद हम लोगों का इस तरह का एक होता है ना लाइफ के, हम लोग लाइफ में इतने ज़्यादा छोटी मोमेंट में अपना एंजॉयमेंट ढूंढना, ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। इतनी ज़्यादा भागदौड़ हम लोग का हो जाता है कि कुछ खुशी, छोटा सा भी खुशी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आके बहुत ही इन्जॉयमेंट मिला बच्चों लोग के साथ, जो मस्ती हुआ, खाए पिए, नहाए धोए, नाच डांस हुआ, बहुत इन्जॉयमेंट मिला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी इस छोटे छोटे पल में आप लोग भी खुशियाँ ढूंढिए, जाकि ताकि आप लोग के लाइफ में भी जितना भी स्ट्रेस है थोड़ा बहुत कम हो सके। बिल्कुल सही बोला साहिल ने, आप लोग भी ट्राई करिए इस तरह का खुशी करने के लिए, सब इंटरटेन करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा आप लोग से आप लोग भी मस्ती करिए। तो पीयूष कुछ बोलना चाहता है? नहीं तो नहीं, लग तो रहा है मुझे कुछ बोलना चाह रहा है पीयूष। पीयूष और कंद्रू जो है, हाँ शुभम क्या बोलना चाह रहा है? लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हाँ, और ना हम लोग नहाए और मजा आया, और हमने खाया पातपुर पोटली, कुछ भी बोल दे तो वो पोटली नहीं, वो पातपुर बोला जाता है, और पोटली चिकन उसको बोला जाता है। तो वो देखें ये आप लोग किस तरह का हम लोग ने बनाया। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना और अपना पूरे परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद जय भारत।